बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करनी है तो सब लोग ठीक हो गए। अल्लाह के सब लोग करम वैसे भी ठीक हाँ। अज अं बना रहे हैं बड़े मज़ेदार आलू गोश्त। क्या बनाना चाहे एम तुम दस रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो मेरे तरीके ना बनाओगे इन शाला तुम मज़ा आएगा। तो गाँव से अभी जिस तरह आम तरीके ना बनाने मैं उस तरह बनावगी। तो अगर तुम मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। तो इन शाला तुम गोश्त बना लगे सिंपल जहाँ तुम इन शाला मज़ा आएगा खाओगे। तो मैं शुरू कर लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके। देखो जी, हरा प्याज, हरिया मिर्चा, टमाटर, हरा थूम भी मैं हरा ही अपनी क्यारी च तोड़िया वो पावे। तो अदरक कुट के असा बिच रखे है। यह तमाम मसाले अस यार पा दें। ऐसा मसाले पा ले, हम इस पानी पावे। नमक मिर्च भी अस नाल ही शामिल कर लेंगे। सब तो पहला अस पावे एक चम्मच मिर्चा, अद्धा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक का गरम मसाला। असा उद पाना भी जो सी थले लानी हम अच्छे प्रेशर बंद कर देवे। मिट्टी बड़ी लाई है, मिट्टी तां लाई है बर्तन काला नहीं होता। इतना जल्दी जल्दी मांज लो, जल्दी धो के दा। हां जी, दीपा आ गए। चलो जी हुन आग ला लो। लकड़ा भी गिल्ली है, बारिश पै पै के सारा कुछ तो गिल्ला होया, चुल्ह भी गिल्ली है। काफी दिनों की बारिश पै रही है। इस बार अजान आन लग गई है। अजान होन लग गई है, हम इस नीचे उतार लेंगे। अरे वो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है हरे हरे प्याज दी। और मैं फिर उत्ती रखा रही हूँ। अरे देखो पानी है, अरे बेचे अस नमक मिर्चा ऐस वास्ते पा दी है कि हरा प्याज है, हरा थूम है, इन्हों की कचैन खत्म हो जाएगी, कच्चापन खत्म हो जाएगा। हूँ इन्हें थोड़ी देर ऐसा मिक्स लाँगे तो फिर बेच घ्यो पावे। थोड़े पानी में ऐसा वास्ते पा दिता है कि ताकि गोश्त गल जाएगा। तो इन्हें जो पानी अपना भी छड़ना वो खुश्क हो जाएगा। थोड़ी देर अभी तो कवर कर देंगे ताकि सेक लगे और इन्हें पानी खुश्क हो। देखो जी पानी इन्हें अपना ही किन्ना छड़िया है। पानी के खुश्क होने तक इन्होंने मसाले भी अच्छे तरीके ना मिक्स हो गए। घ्यो मैं पहला पा दिता से ताकि ना स्मैल खत्म हो जाएगी। तो नाल ही मैं देखो आलू भी शामिल कर देंगी ताकि जो पानी है ये आलू भी हो जाए। शाम हो गई है, जसाना भी हो गई है। भांडी रेत अच्छी ओ चल गिल्ली सी ਤੋੜੇ ਚ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਆ ਤੇ ਤੈਸ ਲਈ ਆ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਸਭ ਦੂਸਰੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਸੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਜ ਦੇ ਭਾਬੀ ਐ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਬੀ ਧੋਈ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮਸਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਧੋਈ ਮਾਰੋ ਭਾਬੀ।
ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਫੜਨਾ ਕੀ ਮਸਤ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਣੀ ਹੈ कमेंट भी जरूर दसना तो अपने दोस्तों नाल फैमिली मेंबर नाल शेयर भी जरूर करना। वीडियो फुल देखनी है तुसा ते अगर तुहानू मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जरूर दसिया करो तो अपनी कोई फरमाइश होए वो भी दसिया करो। इंशाल्लाह पूरी तरह की पूरी कोशिश करांगे। हुण सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़। नेरा बहुत हो गया।